अब मैं मेरी ठकुराई साहिबा बैठिए बैठिए। अच्छा अच्छा प्राणनाथ, आप तो जानते हैं कि मैं बच्चे की मां बनने वाली हूं। प्रिय, ये तो महान खुशी है, लेकिन अभी तक सिर्फ गीता बेटी के अलावा कोई औलाद नहीं थी। ये तो मैं खुशियों से फूला नहीं समा रहा हूं। स्वामी जी, और एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। स्वामी जी, क्या हुआ जहाँ गए थे आप, कुछ भी तो बतलाइए, क्या बातें और कहो क्या हुआ, कहो क्या हुआ मेरे बाल मजाई। कहो क्या हुआ मेरे बाल मजाई, और रही पूछ चरणों की दासी तुम्हारी। मिला बरिया की, मिला बरिया की कोई गड़बड़ी है, बेटी गीता का बर देखने गए थे। हाँ, मिला है बरिया की कोई गड़बड़ी है, बताओ पिया अब करो ना अब। जहाँ गया था मैं प्रिय, सफल हुआ सबका, अब सुंदर बर है मिल गया, सुघर सिंह है। प्रिय, और गीता को सबर मिल पर मिल गया है, और खुशियों से मेरा ये दिल भर गया। ये ऐसा सुंदर लड़का है, उसका नाम सुघर सिंह है, ऐसा पर कहीं ढूंढने से और नहीं मिलेगा प्रिय। हाँ, शादी का दिन भी है। हाँ, 5 तारीख को, 5 तारीख, हाँ, 5 तारीख को बारात आएगी। हाँ, बड़ी अच्छी बात है प्रिय, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि बेटी के कर्ज से हाँ छुटकारा मिल जाएगा। क्यों नहीं,
प्रिय तुम चलो आराम करो क्योंकि तुम्हारे पांव जो हैं भारी हैं। ठीक है, चलिए ठाकुर साहब। हाँ, बारात का हम और आप व्यवस्था करते हैं। हाँ, जितने रुपए पैसे की जरूरत पड़े उतना लेकर सब सामान इकट्ठा करो ताकि बारात आने पर कोई कठिनाई या समस्या ना होने पर। लेकिन सबसे पहले ठाकुर प्रताप सिंह और कमलकांत सिंह के हवेली जाएंगे। हाँ। 50,000 रुपए देंगे। हाँ। और साथ में गीता बेटी का शादी का कार्ड भी लेके आएंगे। हाँ। चलिए कहना है, अरे शरत हुई है, अरे शरत हुई है, अरे दही जरा बुझिया ना शरत हुई है, दही जरा बुझिया ना शरत हुई है। बड़ी बड़ी ताड़ी बड़े बड़े मोचा दो बड़ी बच्ची लड़ी बात हुई है कहीं तरह बुझिए बात रख हुई है। बड़े ठाकुर, ठाकुर रघुराज सिंह ने कहा कि ठाकुर प्रताप सिंह तुम्हारे हवेली पहुंचने के पहले 50,000। हमने नाम तो काफी सुना था उस ठाकुर का कि बहुत बड़ा सत्यवादी हरिश्चंद्र है, लेकिन लगता है कि बात कुछ और थी और काम कुछ और है। नहीं कमलकांत, ठाकुर रघुराज सिंह जुबान का पक्का है, अभी काफी समय है, आओ हम बैठक रूम में बैठ कर होकर इंतजार करते हैं। ठीक है। काहे हिया कौन काहे सम निर्बंसी है क्या? हाँ बोलो कौन है तुम? अरे हम ठाकुर के ठाकुर रघुनाथ सिंह का भेजा हुआ दूत हूँ। दूत हो? हम समझी राजदूत हो। हाँ हाँ सही जगह पे आए हो, सही जगह पे आए हो। ये ठाकुर प्रताप सिंह की ही हवेली है, काम क्या है? बता दो, अगर ठाकुर प्रताप सिंह हो तो उनसे बता दो कि ठाकुर रघुनाथ सिंह का भेजा हुआ दूत आया है। अच्छा ठीक है, आप यहीं पे खड़े रहो, मैं आ रहा हूं मिलकर के। क्या बात है, क्या काम है? आप यहाँ के कौन हैं? हम हाँ हाँ हम यहाँ ठाकुर साहब के
नौकर है। ए! आ! मैं नौकरों से बात नहीं करता हूँ, बता दो ठाकुर प्रताप सिंह से कि ठाकुर रघुराज सिंह का भेजा हुआ दूत आया है, आकर खुद हमसे स्वयं मुलाकात कर ले। बड़ी मुसीबत है, हम भी ठाकुरों से कम नहीं है। क्या हुआ? कमलकांत देखो कौन आया है। यही है दूध? हाँ बाबू यही आए जो टर्राई के बात करता है। क्या बात है? हवेली के अंदर आओ, बड़े ठाकुर का आदेश है। क्या? आप ही जो भी कहना है ठाकुर प्रताप सिंह की चौखट पे जाकर हमारी भी बात सुन लो। क्या आप ही ठाकुर प्रताप सिंह हैं? मैं उनका दोस्त कमलकांत सिंह हूँ। मैं दोस्तों से नहीं बात करता हूँ। फिर क्या दुश्मनों से बात करोगे? ठाकुर प्रताप सिंह से कि स्वयं आकर मुलाकात कर ले, अगर नहीं आ पाते हैं। अकल मारी गई है तेरी, पागल हो गया है कारे। नौकर है, नौकर की तरह मांगकर जमीन में रह के अंबर का ख्वाब देखेगा ना, गिरेगा तो चखना चूर हो जाएगा। आगे बात कर। मैं बिल्कुल आऊंगा। मैं ये समझ लिया कि ठाकुर साहब विकलांग है इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, मैं खुद जाकर मुलाकात कर लूंगा। ठाकुर साहब की जय हो। आओ, कौन हो और कहां से आए हुए हो? हम ठाकुर साहब कहां से आए हुए हैं? हम ठाकुर रघुराज सिंह के भेजे हुए दूत आए हैं। ठाकुर साहब बिल्कुल ठाकुर साहब का भेजा हुआ ये दूत आया है आपको 50,000 रुपए देने। कमलकांत हम कह रहे थे ना कि ठाकुर रघुराज सिंह जुबान का पक्का है। ठाकुर साहब ये लीजिए 50,000 रुपए और इसको वजन कर लीजिए और साथ में ठाकुर रघुराज सिंह की बेटी गीता की शादी है 5 तारीख को, आपका ये शादी का कार्ड भी आया है। ठाकुर रघुराज सिंह हमें अपनी बेटी गीता की शादी का निमंत्रण भेजा है। निमंत्रण भेजा है, ठीक है, साथ में आप भी आना छोटे ठाकुर। ठीक है, ठाकुर रघुराज सिंह के निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। स्वीकार करोगे? मैं जानता हूं। इंटीग्रेटर एक काम करो, ये 50,000 रुपए ठाकुर रघुराज सिंह के दूत को दे दो और हां ठाकुर रघुराज सिंह से कह देना कि ठाकुर प्रताप सिंह ये 50,000 रुपए तुम्हारी बेटी के दहेज में भेजा है। वाह ठाकुर साहब, आपकी बात सुनकर तो हंसी आ रही है। ठाकुर साहब जैसे बंदूक से निकली हुई गोली बंदूक में वापस नहीं आती है, जैसे कि बंदूक से निकली हुई गोली बंदूक में वापस नहीं आती है, वैसे ठाकुर रघुराज सिंह की तिजोरी से निकली हुई रकम तिजोरी में वापस नहीं जाती है।
और सुन लो ठाकुर प्रताप सिंह, क्या जो काम मैं कर सकता हूँ क्या आपका नौकर कर सकता है? जो रघुराज सिंह का नौकर कर सकता है तो भी कर सकता है। ए बाबू क्यों नहीं कर सकता? कर सकते हो तो सुनो मेरी बात, जगलीटर बंद करके, जगलीटर बंद करके क्या मैं इस तार को पकड़ सकता हूँ? क्या तू जगलीटर चालू करके इस तार को पकड़ सकता है? बढ़िया बताए रहन है, ये तार पकड़ेगा तो जगलीटर बंद करके, और मैं पकड़ो तो जगलीटर चालू करके। अरे हमको मरना नहीं कर सकते हो क्या? मैं आंखी मूंद कर मिर्चा झोंक सकता हूँ? क्या मैं आंखी मूंद कर मिर्चा झोंक सकता हूँ? क्या तू आंखी खोल कर मिर्चा झोंक सकता है? अच्छा एक बार बताओ क्या जब चलती रहे ट्रेन तो मैं उसके पीछे चल सकता हूँ, और ट्रेन के आगे चलते हुए क्या तुम लाइट टेम लेके दौड़ सकते हो? बमुरे का खूत, बमुरे का खूत, बमुर के छाही, बमुरे का खूत, बमुर के छाही, कबहू हाँ हाँ कबहू नहीं। रुक जा ठाकुर प्रताप सिंह, तो उस लायक का नहीं है। बैठ जा बैठ जा, मैं जा रहा हूँ। चट्टों के चक्कर में पड़ा है ना। अरे आप ठाकुर साहब, अच्छा मैं चलता हूँ, गुड नाइट। कमलकांत, जब ठाकुर रघुराज सिंह के नौकर के इतने बड़े पेवर हैं तो ठाकुर रघुराज सिंह के कितने होंगे? वही तो मैं सोच रहा हूँ, जब दो कौड़ी का नौकर अपनी हवेली में घुस के चैलेंज कर दिया तो ठाकुर के मिजाज कैसे होंगे? मेरी बात को सुनो बड़े जान। अब जब तक रघुराज सिंह इस जहां में है चुनो काम कभी वो गलत करे देगा नहीं। बड़े ठाकुर, जब तक इस इलाके में ठाकुर रघुराज सिंह जिंदा है, हम आप चाहते हैं कि कोई भी गलत काम करें तो वो कदाप नहीं करने देगा। तो बात ऐसी है, तो चल के ठाकुर के घर, बात ऐसी है, तो चल के ठाकुर के घर, गर्जन माने न कहना और हमारा सुनो, सीधे मुल्के अदम को पटा। गर्जन माने न कहना और मेरा इस घड़ी, सीधे मुल्के अदम
कमलकांत बड़े ठाकुर तेरी ठाकुर हम और आप इस हरिपुर गांव में भी अपना जलवा बरकरार रखना चाहते हैं, अपनी शान बनी रहे, तो रास्ते से रघुराज सिंह को हटाना ही पड़ेगा। कमलकांत तू देखता जा, ये ठाकुर प्रताप सिंह ऐसी खोपड़ी लगाएगा कि सांप मर जाएगा और लाठी नहीं टूटेगी। क्या चाहते हो? तेरी ठकुराइन एक बेटी का जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई थी ना। हाँ बड़े ठाकुर, लेकिन ठाकुराइन से इस मामले से क्या मतलब है? है कहना ठाकुर रघुराज सिंह की बेटी गीता की बारात 5 तारीख को आएगी। हाँ। आज हम ठाकुर रघुराज सिंह की हवेली पर चलेंगे और उसकी बेटी गीता का हाथ मांगेंगे। तेरे साथ अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हो गया तब तो हम उसे अपने सीने से लगा लेंगे। नहीं तो याद रखेंगे बोलने वाली 5 तारीख। 5 तारीख को जब उसकी बारात आएगी तो शादी के मंडप में खून की होली होगी। चलो बड़े ठाकुर, क्योंकि इसलिए हम अक्सर कहा करते हैं कलयुग का भासो जग का मिटा।